तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 PHU के सेट 1 एग्जाम का 2017 का। तो क्वेश्चन आपके लिए मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, आई रीड आउट फॉर यू। अगर लिमिट ऑफ xn, मॉड xn है यहाँ पे, ठीक है, मॉडलेस मतलब ये एब्सोल्यूट वैल्यू वाला जो xn की पॉजिटिव वैल्यूज निकाल रहे हो, तो मॉड xn की अगर लिमिट है l, यानी कि जो मॉड xn सीक्वेंस है पॉजिटिव साइड टर्म्स कर दिया अगर वो पॉजिटिव l पर जा रही है, l जैसा भी नंबर हो, रियल नंबर है कोई और कोई रियल नंबर है इस पर जा रही है, देन द सीक्वेंस xn, अगर मॉड हटा दें तो अकेली xn सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी, ठीक है। फिर उसके ऑप्शंस गिवन हैं, ऑप्शन क्या क्या है, कन्वर्जेस टू l, यानी कि अगर मॉड हटा दें, मॉड के साथ सीक्वेंस कन्वर्जेंट है मॉड l पर, अगर मॉड हटा दें तो क्या सीक्वेंस l पे ही जाएगी। दूसरा ऑप्शन कन्वर्जेस टू l या माइनस l, क्या वो l पे जाएगी या माइनस l पे, किसी पे भी जा सकती है। तीसरा पार्ट है मे नॉट बी कन्वर्जेंट, शायद कन्वर्ज ही ना करे, कन्वर्ज को हिंदी में क्या कहते हैं, अभिसरित, ये नया वर्ड मैंने सीखा क्योंकि इसमें हिंदी अनुवाद भी गिवन होता है फॉर दोज जिन्होंने हिंदी में तैयारी करी हुई, तो अभिसरित, तो मे नॉट बी कन्वर्जेंट शायद अभिसरित ना हो। और डी पार्ट इज कन्वर्जेंट बट नॉट टू एल, यानी कि कन्वर्ज करेगी पर एल पे नहीं जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए ना हमें काउंटर एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करना होता है। काउंटर एग्जाम्पल मतलब हम एग्जाम्पल से करके देखेंगे, क्योंकि सबके अगर हम डेफिनेशन से कन्वर्जन वाली डेफिनेशन अप्लाई करें तो बहुत लेंदी काम है, ये नहीं करना होता, हमें एक शॉर्ट अप्रोच अपनानी होती है। और शॉर्टकट अप्रोच यही होती है कि हम देखें कि कोई एग्जाम्पल मिल जाए हमें जो इसको क्या कर दे, गलत साबित कर दे। एग्जाम्पल से डिसक्वालीफाई करते हैं, क्वालिफाई नहीं करते, प्रूफ से क्वालिफाई करते हैं, प्रूफ से मानते हैं कि हाँ ये सही है, एग्जाम्पल से मानते हैं कि गलत है। तो हम कोई एग्जाम्पल ढूंढेंगे जो इनके अगेंस्ट जाए, तो देखते हैं कोई इसके अगेंस्ट जाता तो है ना। पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, हमें देखना है कि ऐसे एक सीक्वेंस जिसका मॉड कन्वर्ज करे पर उसका मॉडलेस अगर हम हटा दें तो वो कन्वर्ज ना करे। देखते हैं, अगर आपको मैं एक सीक्वेंस बताऊं xn इज इक्वल टू -1 raised to the power n, तो एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को खोल के आपको एक बार इसकी टर्म से वाकिफ़ करा देते हैं। तो ये सीक्वेंस कैसे दिखेगी, -1, n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो -1, n की वैल्यू 2 पुट करोगे -1 का स्क्वायर +1, इसी तरीके से -1 1, और यही सीक्वेंस ऑल्टरनेट करते रहेगा -1 1 -1 1। तो आपको दिख रहा है कि ये सीक्वेंस कैसी है, कन्वर्जेंट तो नहीं है, ये कन्वर्जेंट नहीं है, इसके पास दो लिमिट पॉइंट है -1 और 1, पर ये कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। अब इसका मॉडलेस देखते हैं हम, तो मॉडलेस xn अगर हम करें, यानी कि इसके पे मॉड लगा दें। अब -1 raised to the power n की दो ही वैल्यू हो सकती है, -1 या 1, पर हर वैल्यू पे अगर हम मॉड लगा दें तो -1 गायब हो जाएगा और सारी वैल्यूज के बन जाएंगी 1। तो ये जो ये वाली सीक्वेंस बनी ना हमारे पास मॉड xn, ये कैसी बनेगी, इस प्रकार की 1 1 1 1। अब एक कांस्टेंट सीक्वेंस बन गई, और कांस्टेंट सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट होती है, तो ये किस पे कन्वर्ज करिए, दिख ही रहा है सीक्वेंस के सारे टर्म्स किस पे जा रहे हैं, एक ही नंबर पे तो जा रहे हैं 1 पे, तो ये कन्वर्ज करिए 1 पे। तो ये देखो मॉड xn कन्वर्ज कर रहा है किस पे, 1 पे, यानी कि मॉड xn कन्वर्ज कर रहा है मॉड l पे, और ये मॉड l की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। अब अगर मैं मॉड हटा दूँ, अगर इसमें से मॉड हटा दूँ तो ये सीक्वेंस बन जाएगी, और क्या ये कन्वर्जेंट है, नहीं। तो यही तो क्वेश्चन पूछा था कि मॉड x कन्वर्जेंट हो तो क्या ये वाली बिना मॉड वाली सीक्वेंस कन्वर्ज करती है l पे। हमने एक एग्जांपल ढूंढ लिया ऐसा जिसमें मॉड कन्वर्ज करता है पर बिना मॉड के वो सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करती, क्योंकि उसके दो लिमिट पॉइंट आ रहे हैं। तो हमें एक एग्जाम्पल मिल गया जो इस बात को गलत साबित करे, इसलिए हम इस क्वेश्चन को डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं, कन्वर्जेस टू आइदर टू l और टू -l। अब इसी से इसको भी गलत कर सकते हैं, हमने क्या कहा कन्वर्ज करेगा या तो l पे या -l पे, पर हमने क्या देखा कि मॉड कन्वर्ज कर रहा है पर मॉड हटाने के बाद इस सीक्वेंस तो कन्वर्ज ही नहीं कर रही, तो वो कह रहे कि l पे कन्वर्ज करिए -l पे, तो गलत कह रहा है ना, ना तो l पे करी ना -l पे करिए, वो कन्वर्जेंट ही नहीं है। यानी कि इसी एग्जाम्पल की मदद से हम ये भी गलत कह पा रहे हैं, एक एग्जाम्पल हमने काउंटर ढूंढ लिया जो इसको गलत साबित कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, मे नॉट बी कन्वर्जेंट। अब ये क्या कह रहा है कि शायद कन्वर्जेंट हो शायद ना हो, और ये वाली बात तो हमें सही सी लग रही है, पर कभी भी एग्जाम्पल से सही नहीं करते तो हम इसको छोड़ देते हैं। देखते हैं अगर लास्ट वाला ऑप्शन वो भी गलत हो जाए, और क्योंकि ये MCQ है तो अगर ये भी गलत हो जाए डायरेक्टली ये सही हो जाएगा, अगर ये गलत नहीं होता तो हमें थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा। अब लास्ट वाले ऑप्शन में चलते हैं, इज़ कन्वर्जेंट बट नॉट टू l, इनकी ये कह रहा है कि ऐसी सीक्वेंस हमेशा कन्वर्ज करेगी पर एल पे नहीं जाएगी, और हमने अभी कहा कि हमेशा कन्वर्ज करे ज़रूरी तो है नहीं, अगर मॉड कन्वर्ज कर रहे पर बिना मॉड के सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं कर रही तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कन्वर्ज करे, तो इस कन्वर्जेंट वाली बात ही सही हो गई, इसके बाद यही गलत हो गई, इसके बाद वो जो मर्जी कहे हमें सुनना ही नहीं है, उसने यही बात ही गलत कह दी, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। और काउंटर एग्जाम्पल से हमने देखा कि ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, तो बचा कौन सा, यही सही है। और हमें सही लग भी रहा है। अब सही लग रहा था तो अगली वाली बात सही है। कैसे सही लग रहा था हमें? देखो ये सीक्वेंस है, ये कन्वर्जेंट नहीं हुई है। अब आप बोलो कि ये एग्जाम्पल देखो दो जिसमें वो कन्वर्ज करी हो, तो ले लो एग्जाम्पल। अगर मैं सीक्वेंस ऐसी लूँ, कुछ डस्टर कहाँ गया, अगर मैं कुछ इस प्रकार की सीक्वेंस लूँ, मेरी सीक्वेंस है -3 -2 -1 0 0 0 0 0 एंड सो ऑन, चलती जा रही है, आगे की सारी टर्म जीरो हैं। तो इस टाइप की सीक्वेंस जो कुछ टर्म्स के बाद जाके कांस्टेंट हो जाए अल्टीमेटली, और इसके बाकी सारे टर्म्स फिर जीरो ही हैं, तो ऐसी सीक्वेंस किस पे अप्रोच कर रही है? जीरो पे। तो उसकी लिमिट क्या होगी? जीरो। तो हमें दिख रहा है कि एक्सन की लिमिट क्या है? जीरो है। ठीक है, अब इस पर मॉड लगा दो जरा, मॉड एक्सन। तो ये सीक्वेंस क्या बन जाएगी? 3 -3 का 3 बन गया, मॉड मतलब पॉजिटिव करो, -2 का 2 बन गया, इसका 1 बन गया, इसका 0 0 0 0। तो अल्टीमेटली अब ये सीक्वेंस कैसी है? पहले टर्म 3, फिर 2, फिर 1, फिर कम होती जा रही है, उसके बाद सारे टर्म 0 0 0। ये भी इवेंचुअली कांस्टेंट हो रही है, ये भी इवेंचुअली कांस्टेंट, तो ये भी कन्वर्जेंट है, यानी कि मॉड एक्सन भी कन्वर्जेंट है। और किस पे जा रही है? जीरो पे। ये दोनों इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस है। तो हमने दिखा दिया कि जहाँ पे मॉड एक्सन कन्वर्जेंट है, वहाँ पे एक हमें उसका अगर मॉड हटा दे तो भी वो कन्वर्ज कर रही है। तो ऐसी सीक्वेंस भी होती हैं, और ऐसा एग्जाम्पल आपको कॉन्स्टेंट सीक्वेंसेज में ही मिलेगा कि अगर मॉड कन्वर्ज कर रहा है तो उसके बिना वाला भी कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा एग्जाम्पल मिल सकता है, इसलिए सी सही है कि मे नॉट बी कन्वर्जेंट, मे बी कन्वर्जेंट। मे बोल दिया यानी कि शायद लग गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।